ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग ने अपना घर जो है चेंज कर लिया था, मतलब कि इतना बड़ा घर छोड़कर हम लोग एक छोटे से रेंट के हाउस पर रहने के लिए आ गए थे। अब उसके पीछे रीजन ये था कि हमारी जो अंडर वाटर माफिया से फाइट चल रही थी और वो बंदा हमारे घर पर ऑलरेडी एक बार बहुत खतरनाक अटैक करवा चुका था हेलीकॉप्टर से। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं घर पर हूँ और वो दोबारा अटैक करवाए और हमें कोई नुकसान पहुंचे, हमारे घर को कोई नुकसान पहुंचे और मेरी जितनी भी सुपर कार्स एंड बाइक्स उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने अपना घर चेंज करा, सारा सामान यहां पर लिया, सारा नहीं थोड़ा बहुत सामान यहां पर लेकर आ गए हैं। और जितनी भी बाइक से मेरी ट्रॉन बाइक आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, बाकी दोनों लैम्बोर्गिनी देख पा रहे हो एंड पीछे की तरफ में रॉल्स देख पा रहे हो। अभी ना यहां पर यार ज्यादा पार्किंग की जगह नहीं है, जो जो महंगी महंगी कार है ना वो मैंने अपने घर के नीचे ही खड़ी कर ली है। यहां पर फिलहाल इतना कोई खतरा है नहीं, अगर खतरा होगा तो मैं कोई ढंग की पार्किंग ले लूंगा। और यहां पर ये देखो एक सिक्योरिटी है। तो बाकी जो तीन गाड़ियां थी ना मेरी, मतलब की वाली जो माइकल की पुरानी वाली कार है एंड अमेंडा की कार है एंड ट्रेसी एंड जिमी की जो कार है वो यहाँ पर खड़ी कर दिया, मतलब कि अपनी जो सातों व्हीकल है अभी फिलहाल वो यहाँ पर आ चुके हैं। और सबसे अच्छी न्यूज़ पता है क्या, आज जो है ना हमें बहुत ही तगड़ा मिशन करना है, तो इसीलिए ना आज हम लोग पूरी नाइट लगाने वाले हैं। मतलब कि अभी रात के मैं आपको टाइम दिखाता हूँ कितने बज रहे हैं। देखो भाई, इस टाइम पर रात के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ पर ना मेरे को लेस्टर का कॉल आया था शाम को। लेस्टर ने मैं बोला था कि वो जो मतलब अंडर वाटर माफिया लास्ट टाइम जब प्लेन लेकर वहाँ से भाग गया था ना, तो वो कहाँ भागा था, वो लोकेशन जो है लेस्टर ने डिटेक्ट कर लिया है। अभी जल्दी से हमें उस जगह पर जाना है और वो जो जगह ना वो है माउंट शिलियार्ड पे, मतलब कि भाई बहुत ज्यादा दूर है। तो ओके गाइस यार, अभी ना फटाफट से अपनी ट्रॉन बाइक लेकर निकल लेते हैं हम लोग सीधा एयरपोर्ट के लिए और वहां पर जाकर अपना पकड़ेंगे सीधा प्राइवेट जेट और फिर हम लोग सीधा निकल लेंगे माउंट शिलियार्ड के लिए। बाकी ना गाइस, इस एरिया की ना मैं आपको एक सबसे खतरनाक और सबसे बढ़िया बात बताता हूं जो कि हमें पूरे लॉस सैंटोस में ना कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। मतलब कि पूरे लॉस सैंटोस में क्या होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, गाड़ियां चलते रहते हैं, लोग अपना घूमते रहते हैं, लेकिन ये जो एरिया ना भाई, यहां पर रात होती है एकदम सुनसान हो जाता है। कुछ कुछ बंदे दिखते हैं जो भी अपना मतलब गुंडे मवाली होते हैं, जैसे कि ये हो गए यहाँ पर अपना खड़े हो गए बियर पी रहे हैं। बाकी आप लोग देख पा रहे हो भाई, सारी की सारी गाड़ी जो खड़ी हो गई रोड पर, बहुत कम गाड़ियां नजर आ रही है। और जो मार्केट एरिया था, जो बीच था जहां पर दिन में एकदम बंदे भरे पड़े थे, यहां पर आप लोग देख पा रहे हो भाई रात में पूरी की पूरी सारी शॉप जो है बंद हो गई है और बंदे बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे। कुछ कुछ बंदे हैं जो अपना नॉर्मल घूमते रहते हैं, लेकिन भाई मैक्सिमम अगर देखा जाए तो पूरा पूरा एरिया जो है खाली हो चुका है। जिम वगैरह सब कुछ, टेनिस स्पॉट वगैरह सब खाली हो गया है। और ना यहां पर सबसे अच्छी बात पता क्या है कि हमें ना एयरपोर्ट जाने के लिए ना कोई लंबा रास्ता नहीं पकड़ना पड़ेगा। यहां पर ना पीछे से भी एक रास्ता जाता, तो एक मिनट रुक जाओ यार, पीछे से एक रास्ता जाता है लेकिन ना उसके लिए हमें रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। इससे बड़े एक काम करते हैं ना, मेन गेट से एंटर हो जाता है फटाफट से। यहां पर वैसे ज्यादा टाइम लगने नहीं वाला, ट्रॉन बाइक है भाई, ट्रॉन बाइक बहुत जल्दी पहुंचाएगी, बस आप लोग देखते जाओ। तो भाई देखो, अभी तक हम लोग उस एरिया में गाड़ी चला रहे थे, रात के टाइम पर एक भी गाड़ी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन जैसे हम लोग यहां पर पहुंचे हैं भाई, अभी बस तुम लोग देखते जाओ पूरी का पूरा रोड ऐसे भरा हुआ नजर आएगा, ऐसे लगेगा कि दिन का टाइम हो रहा है। बाकी फिलहाल ये तो हाईवे, हाईवे पर रात में तो गाड़ियां दिखती है लेकिन यार इतनी ज्यादा नहीं दिखती भाई, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अभी फटाफट ना हम लोग यहाँ से राइट लेते हैं और एयरपोर्ट भी जो आने वाला है, बस हमें ना आगे वाले कट से जाना है नीचे की तरफ में। और ट्रोन बाइक भी काफी सही स्पीड में तो चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, फालतू की बात है बाद में करेंगे। अभी जल्दी से ना सबसे पहले निकलते हैं माउंट शिलियार्ड कर। और भाई साहब, गेट कौन खोलेगा मेरे लिए, हमेशा कभी गेट नहीं खोलता, तेरी ऐसी की आज मैं बहुत मारूंगा भाई। यहाँ पर ना इनको इतना मार के जाता हूँ, जितने भी गार्ड बदल लो कोई भी गेट नहीं खोलता, क्या दुश्मनी है भाई मेरे से। लेकिन यह जब भी मैं ट्रक लेकर आता हूँ ना, ये लोग गेट खोल देते हैं, तो शायद से ना यहाँ से ये लोग मेन अपनी ट्रक की एंट्रेंस करवाते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं से हमेशा ही मार के जाता हूँ, यहाँ पर देखो ये मर गया, अब चार दिन बाद ये लोग एक नया बंदा रख लेंगे। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, रात के टाइम पर मेरी जो ट्रोन बाइक यार कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है ना इस टाइम पर खाली पड़ा हुआ है, मतलब कि जो भी गाड़ियां भी आती है ना सर्विसिंग वाली वो भी नहीं है। और यहाँ पर एकदम भगाकर चलाने वाला हूँ अपनी ट्रोन बाइक पूरे खुले एयरपोर्ट में। अब बस ना एक बार चेक कर लूँ कोई प्लेन तो आकर लैंड नहीं हो रहा, नहीं भाई, पूरी पूरी एयरलाइन जो रनवे है पूरा खाली पड़ा है। तो यहाँ पर जो मैं अपनी ट्रॉन बाइक भगाता रहा हूँ, लेकिन स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा कम शो हो रहा है। अब या तो इसका स्पीडोमीटर ख़राब है, मतलब कि मेरी बाइक काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है भाई इस टाइम पर, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर पर आवर तो है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फटाफट से अपनी बाइक को लेकर चलते हैं आगे, शायद से ना इस बाइक का जो वेट है ना काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर इसकी स्पीड जो है ज़्यादा नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन जो बाइक का साउंड आ रहा है ना यार वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ओके गाइस यार, अभी हम लोग फिलहाल पहुँच चुके हैं अपने एयरपोर्ट के पर्सनल हैंगर में और यहाँ पर जितने भी प्लेन खड़े होंगे वो हमारे अपने पर्सनल होंगे और कोई भी नहीं खड़े कर सकते यहाँ पर आकर। और ना गाइस, एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गया, मतलब कि अपने $1 million का नुकसान हो गया। ये वाला जो आप प्लेन देख पा रहे हो ना, ये वाला मैंने गलती से ऑर्डर कर दिया था, मतलब कि क्लिक इस पे करना था और मैंने गलती से वाला ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पर ये वाला प्लेन भी जो है डिलीवर हो गया, अगर ये वापसी होगा तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फटाफट ना हम लोग सीधा यहाँ से निकल लेते हैं। बाकी ना इस वाले प्लेन के अंदर आप लोग देख पा रहे हो टोटल ना 8 लोग बैठ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो अपनी ट्रॉन बाइक है ना, यहाँ पर मैंने खड़ी कर दी, कोई भी खतरा नहीं है। एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब कि मेरे लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग हैं ना जिनके पास इतनी तगड़ी फोर्स नहीं है,
इतनी बढ़िया गन्स नहीं है उनके लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, मेरे लिए उतनी खतरनाक नहीं है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से अपने जेट, भाई जेट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा है भाई, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। यहाँ पर फटाफट से ना इसको लेकर चलते हैं रनवे फर्स्ट वाले पर, और यहाँ पर बस सामने से ना कोई प्लेन ना आ रहा हो वरना काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और फटाफट से ना यहाँ से मैं अपने जेट को आराम से राइट मोड़ लेता हूँ भाई, सच्ची में इसमें जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है भाई ये धीरे धीरे। अभी फटाफट से मैं भगा लेता हूँ अपने जेट को, और यहाँ पर ना अभी धीरे धीरे मतलब मैं प्लेन वगैरह उड़ाते रहता हूँ, हेलीकॉप्टर उड़ाते रहता हूँ, तो पूरी ना आदत हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अभी फटाफट से हमारे जो जेट ने स्पीड जो है पकड़ लिया अच्छी खासी, और यहाँ से मैंने इसे जो है उड़ा लिया। बाकी यार यहाँ पर आप लोग नज़ारे देख पा रहे हो भाई, कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है हमारा गोल्डन जेट। सामने की तरफ में लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग मेज बैंक की कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अपना जो लॉस सैंटोस है भाई कितना ज़्यादा बड़ा है और कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है नीचे देखने में। अभी फिलहाल रात का टाइम हो रहा है लेकिन इतनी सारी लाइट्स जल रही है ना भाई, एकदम अलग ही ग्लो मार रहा है, और बाकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और जो आप सामने की तरफ में एक बड़ा सा माउंटेन देख पा रहे हो ना गाइस, यही है माउंट शिलियार्ड, और यहाँ पर ना अभी हम लोग जल्द ही पहुँचने वाले हैं। और पीछे की तरफ में तो मेरा मन कर रहा है कि बार बार बस ना लॉस सैंटोस को मैं देखते ही रहूँ भाई, सच्ची में काफ़ी बढ़िया नज़ारे हैं। तो भाई देखो, अभी मैं निकला था उस एयरपोर्ट से और यहाँ पर इतनी जल्दी मैं पहुँच चुका हूँ ट्रैवर के गाँव में, मतलब क्या मेरे को तो विश्वास भी नहीं हो रहा। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, तुम कितनी भी तगड़ी सुपर बाइक ले लो, कितनी भी तगड़ी सुपर कार ले लो भाई, प्लेन से जल्दी जिंदगी में नहीं पहुँच पाओगे भाई। यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच गया मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। अभी फटाफट से जो सामने वाली एयरलाइन है ना, जहाँ पर हमारी बेलास से बोर हुई थी, अभी इसी वाली एयरलाइन पर मैं अपना प्लेन जो है उतारने वाला हूँ। फिलहाल आगे भी एक एयरलाइन थी लेकिन ना मुझे अभी पता चला कि वो जो एयरलाइन है ना सेफ नहीं है, मतलब कि जो वहाँ का पाथ है ना वो इस प्राइवेट जेट के लिए बढ़िया नहीं है। इसके जो टायर है ना एकदम सीधे होते हैं, शॉकर्स में बहुत कम होते हैं, तो ये अच्छी एयरलाइन पर ही लैंड करवाने के लिए बढ़िया रहता है। तो चलो भाई, अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर जल्दी से पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर स्पीड इतनी ज़्यादा पकड़ लेते हैं ना भाई, बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता। और सामने की तरफ में ना एक वेयर हाउस है, इसके अंदर मतलब कि एक छोटा सा हैंगर है, पता नहीं किसका है, खैर जिसका भी हो, यहाँ पर हमें किसी से भी डर नहीं मारा है। ट्रैवर का गाँव है, यहाँ पर ट्रैवर की पूरी चलती है, तो जल्दी से इसको जो है इसी के अंदर जो है हम आराम से एंटर करवा देते हैं। और यहाँ पर ना गाइस, एक मिनट रुक जाओ, प्लेन देखो भाई एक टायर पर हो गया, यानी कि जो इसका पीछे वाला विंग है ना वो यहाँ पर अटक रहा है। तो एक काम करता हूँ, इतना ही अंदर करके छोड़ देता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और अभी हम लोग ना यहाँ से जल्दी से निकल लेते हैं दूसरी जगह पर। तो ये देखो, ये जो विंग है ना ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, तो इससे वेयर हाउस में ये अटक रहा था। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी सबसे पहले ना मुझे एक बाइक चाहिए होगा, बाइक कहाँ पर मिलेगा यार, बाइक किसी का तो बाइक यहाँ पर मेरे को चाहिए भाई। तो गाइस यहाँ पर ना अभी आसपास में कोई भी बाइक तो नजर नहीं आ रही, और जिस जगह पर मुझे जाना है ना वो जगह मैं आपको पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। और वैसे ना ये जगह हर जगह से ही दिख जाते हैं, ये देखो भाई इतना ऊंचा माउंटेन है जिसके ऊपर अभी हमें जाना है, और उसी जगह पर वो बंदा रह रहा है, ऐसा लेस्टर का कहना है। और ना हमें सबसे ज्यादा जो मेन चीज का फोकस करना है ना वो ये है कि वो इस बार बंदा जो है ना भाग ना पाए, पिछली बार वो भाग गया था लेकिन ना इस बार ही मुझे जाना है और सबसे पहले उसी को मारना है। और यहाँ पर गाड़ी रोको, अबे तेरी भैंस की, अबे भाई साहब कैसा बंदा है, इतनी तगड़ी कटिंग मार के चला गया लेकिन गाड़ी नहीं रोकी। सामने की तरफ में एक दो कार खड़ी, तो ये वाली कार ले लेता हूँ, लेकिन ना एक वैन सी आ रही है यहाँ पर, एक कचड़ा वैन है, निकल यहाँ से भाई साहब, यहाँ पर इतनी घटिया वैन लेकर आ रही है, मैं क्या चला कर जाऊँगा। अभी फटाफट एक काम करता हूँ ना, एक सामने की तरफ में काफ़ी बढ़िया कार है, ये जो FIB वाले लेकर आते हैं ना कुछ उस टाइप की वाली जो कार है मेरे को नजर आ रही है। अभी फटाफट से ना इस कार में बैठते हैं और जल्दी से हम लोग ना यहाँ से निकल लेते हैं किसी बाइक को ढूंढने। अगर बाइक नहीं मिलेगी तो कोई ऑफ रोड व्हीकल ही लेकर हम लोग उस माउंटेन पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात है अगर हमें बाइक मिल गई ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आराम से हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, बाइक मुझे मिलने नहीं वाली, मुझे कन्फर्म पता। ओ भाई साहब बाइक मिल भी गई, और यहाँ पर ये कौन सी जगह भाई, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ये क्या भाई, अच्छा फायर स्टेशन है, और यहाँ पर ये किस चीज़ की मशीन लगा रखी है भाई, इन लोगों ने पानी वानी भरते हो गए इससे तुम लोग यहाँ पे। एक मिनट जो भाई, बिल्ली अबे बिल्ली के मार रहा था मैं, तेरे थोड़ी मार रहा हूँ, अब पहले बिल्ली मरेगी, पहली बात तो मैंने बिल्ली के लात दे भी नहीं पाया, ऊपर से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने बिल्ली को मार दिया। अभी फटाफट से ना हम लोग यहाँ से बाइक में बैठकर निकल लेते हैं सीधा उस जगह पर, मतलब उस माउंटेन पर, और जो माउंटेन का जो मेन रास्ता है ना वहाँ से जाऊँगा तो मैं जल्दी पहुँचूंगा, लेकिन अगर उल्टे सीधे रास्ते जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो भाई देखो, अभी वो जो उस माउंटेन का रास्ता है ना वो मैंने गूगल मैप्स में पूरा का पूरा मार्क कर लिया है, और यहाँ पर गूगल मैप्स जो है मेरे को पूरा का पूरा शॉर्टकट बता रहा है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, मतलब दूर नहीं जाना, एकदम ऐसे आड़े टेढ़े रास्ते, आपको पता ही होगा यार जब भी हमें माउंटेन पर चढ़ना होता है तो कोई भी सीधा रास्ता नहीं होता भाई, बार बार गाड़ी एक ही जगह पर घुमाते रहनी पड़ती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन ये बात है कि अगर मैं इससे बढ़िया हेलीकॉप्टर से आता ना तो भाई अभी तक मैं 2-3 बार पहुँच जाता। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी बाइक से आए तो बाइक से ही चलते हैं, मतलब जेट से आए हैं अब बाइक से जाना पड़ेगा। अब ये जो गाँव है ना भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ पर जो माउंटेन का मेन रास्ता है ना वो सामने से आने वाला है। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो एरिया ना यार काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, और यहाँ पर ना इस टाइम पर काफ़ी अजीबोगरीब से जानवर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि यार एकदम जैसे वुल्फ आवाज़ नहीं निकालती, सेम टू सेम
सेम वैसी सी आवाज़ निकाल रहे हैं। बाकी यार कोई इतनी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर हमारे पास गन्स वगैरह सब कुछ है, अगर कोई भी एनिमल हम पे अटैक करेगा तो मुंह तोड़ के साइड कर देंगे। अभी जल्दी से हम लोग सीधा अपनी गाड़ी को भगाते भगाते निकल लेते हैं सामने की तरफ में। और ये जो जगह है यार, यहाँ पर मैं सच्ची में पहली बार आ रहा हूँ, उस सामने की तरफ में काफ़ी खतरनाक से टनल है और ये टनल जो है कहाँ पर जा रही है, और भाई यहाँ पर पीछे की तरफ में कुछ एनिमल्स है भाई, बच गए मैं, अगर ये लोग मुझे देख लेते ना तो भाई यहाँ पर एक खतरनाक ही जगह लग रही है। और ये रास्ते कहाँ पर जा रहे हैं भाई, एक मिनट रुक जाओ, T02 यहाँ पर लिखा हुआ है और एक गेट है, ये गेट पता नहीं कहाँ पर जा रहा है। और यार अभी मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये जो जगह है ना मेरे को बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही है। यहाँ पर ना दीवारों पे कुछ अजीब व गरीब सा कुछ ना कुछ लिखा पड़ा है और यहाँ पर एक गेट और है T01। भाई ये जगह खतरनाक है भाई, यहाँ पर कुछ तो मिस्ट्री है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक। अभी फटाफट ना मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। ये देखो भाई, ये डियर जा रहा था और मेरे को लगा कि लायन जा रहा है भाई, खतरनाक सीन है। गाइस यार सच्ची में काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब जगह है, मतलब कि ऐसे ऐसे एनिमल्स का साउंड आ रहा है ना भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना है। फिलहाल यहाँ से ना अपनी बाइक को मुझे आगे से राइट लेना है, जैसा कि गूगल मैप्स बता रहा है। अब बस ना मुझे गूगल मैप्स किसी भी गलत रास्ते पर ना ले जाए। वैसे जहाँ पर मुझे पहुँचना है वो एकदम माउंटेन का टॉप है और कहीं मुझे नहीं जाना। अब यार इससे बढ़िया तो ये होता कि मैं हेलीकॉप्टर से आगे होता और सामने की तरफ में मुझे कुछ नज़र आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ तो खतरनाक है भाई सामने, एक मिनट रुक जाओ भाई, कुछ तो मेरे को बहुत खतरनाक दिख रहा है। ओ भाई ये बाइक कैसे गिर गई भाई, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज, एक मिनट रुक जाओ भाई, सामने है क्या चीज। ओ भाई साहब यहाँ पर दो दो लायन खड़े हो रही, कि गाड़ी खड़ी हुई है जो कि मेरी फरारी जैसी लग रही है। अगर इसकी नंबर प्लेट पे किंग लिखा होगा तो ये मेरी वाली फरारी है। और यहाँ पर ये लायन को मैं मार दूँ, लेकिन मुझे इसी रास्ते से जाना है, तो यानी कि मुझे ना लायन को मारना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मैंने गोली चलाई और गोली मिस हो गई और ये लोग भागते भागते आ गए ना मेरे पास, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इससे बढ़िया ना एक काम करता हूँ, इनके एकदम ना पास चलता हूँ और पास जाकर इनके सीधा एकदम ऑटो पर गोलियाँ बजा दूँगा। रुक जाओ, अब यहाँ पर मैं निकालता हूँ अपनी M416, एक गोली चलाकर देखता हूँ यहाँ पर इन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पता चला। इधर आते ही ऐसे निकल यहां से भाई साहब, यहां पर ये बेचारे लायन कर क्या रहे थे, एक मिनट रुक जाओ, यहां पर ये करना क्या चाह रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूरा मार दूंगा इनको। ओ भाई यहां पर तो कोई बंदा भी है जिसका यहां पर कार एक्सीडेंट हो रखा है। और ये एक मिनट रुक जाओ, मेरी फरारी हुई है भाई साहब, ये मेरी फरारी चुरा कर भागा था वही बंदा, ये देखो। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि गाड़ी की नंबर प्लेट पर किंग लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरी वाली फरारी है। और ये बंदा यहाँ पर से लेकर किस लिए आया मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। इधर तेरी ऐसी की तैसी यहाँ भाई साहब, एक तो लेकर भी आया, पता नहीं लेकर जा कहाँ रहा था भाई, ये माउंटेन पर कहाँ चढ़ा रहा है इस गाड़ी को, और गाड़ी का एक्सीडेंट भी कर दिया, खुद तो मर गया और मेरी गाड़ी की भी ऐसी की तैसी कर दी है। अब यहाँ पर ना एक बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल गाड़ी का जो इंजन है वो एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, लेकिन बीच बीच में काम करना ना बंद भी कर दे रहा है। एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को धीरे धीरे पीछे खींचता हूँ भाई, यहाँ पर देखो चिंगारियाँ निकल ले भाई, इसके कुछ पार्ट में तो दिक्कत आ गई है और गाड़ी जो है ना बुरी तरह टूट चुकी है भाई। ये देखो मुड़ गई है, इतनी तेज इसने लाकर ठोकी है भाई, ये क्या बंदा था। यहाँ पर भाई गई फरारी, मेरे हिसाब से रिपेयर भी नहीं हो पाएगी तो ढंग से, वैसे अगर बैनी है तो वो तो रिपेयर कर देगा अभी, लेकिन ना ये गाड़ी को चला कर हम लोग घर नहीं ले जा सकते। तो एक काम करता हूँ ना, इस गाड़ी को ना अभी फिलहाल मैं यहीं पर खड़ा कर देता हूँ भाई, ये बिल्कुल नहीं चलने वाली, इस गाड़ी को यहीं पर रोकना पड़ेगा भाई, यहीं छोड़ दो इस गाड़ी को अभी फिलहाल। मैं चलता हूँ अपनी बाइक में सबसे पहले उस अंडर वाटर माफिया को मारने, और उसको हमें कुछ इस टाइप से मारना है ना कि किसी को पता भी नहीं चले, सबसे पहले हमें उसे मारना है, वरना अगर हमने सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी गार्ड को मारा ना तो वो वहाँ से भाग जाएगा। बाकी यहाँ पर मेरी फरारी जो यहीं पर है, मैं सबसे पहले ना इसको मार देता हूँ। और ये जो लायंस को मैंने मारा है ना इनके लिए भाई, मतलब क्या ही बोलूँ भाई, बेचारे यहाँ पर इसको खा रहे थे बैठ के, तो मुझे भी मारना पड़ा। अभी फटाफट ना हम लोग यहाँ सीधा निकल लेते हैं आगे की तरफ में। तो भाई यार एक चीज़ देखो कि अभी मैं इस बाइक को चलाते चलाते इतनी ज़्यादा ऊँचाई पर आ गया हूँ ना कि नीचे देखने में भी डर लग रहा है। अगर यहाँ पर बाय चांस हमारी बाइक का टायर फिसलता है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, हम लोग बहुत नीचे जाकर गिरने वाले हैं। एंड अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इस माउंटेन पर पहुँच चुका हूँ और मुझे पता नहीं था कि ये जो माउंटेन है ना सच्ची में इतना ज़्यादा ऊँचा है। मतलब कि इससे पहले जब मैं आया था तो मैं ट्रॉली से आ गया तो मुझे इतना पता नहीं चला था, लेकिन पहली बार यहाँ पर मैं बाइक चला कर आ रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है भाई ये माउंटेन। तो ओके गाइस यार, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को भगाता भगाता एकदम माउंट शिलियार के टॉप पर लेकर आ चुका हूँ। बस ना मुझे आगे से थोड़ा सा राइट लेना है, फिर शायद से उसका घर जो है आ जाएगा। बाकी ना यहाँ पर मुझे ना थोड़ा बहुत हो सकता है कि घर जो है ढूंढना पड़े। ओके तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि उसका घर जो यहीं पर है, क्योंकि लेस्ट ने मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अभी मुझे ना ये देखना है कि मैं ऐसे कौन से रास्ते से इसके घर के अंदर एंटर हूँ कि किसी भी सिक्योरिटी को पता ना चले, क्योंकि अगर सिक्योरिटी को पता चल गया ना तो ये अंडर वाटर माफिया दोबारा से भाग जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा फट्टू है, पता नहीं हर बार भाग क्यों जाता भाई, उससे पहले भी भाग गया था और इस बार ना भाग जाए, इसलिए मुझे इसे डायरेक्ट सबसे पहले मारना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ओबे भाई सब पैर फिसल गया, मैं बस खाई में ना जाऊँ भाई, ये कितनी खतरनाक जगह, बच गया भाई
सच्ची में यार मैं गलत ही आ गया था भाई इस जगह पर, मुझे ना डायरेक्टली गेट से एंट्री लेनी चाहिए भाई। यार एक तो ना ये जो जगह यार इतनी ज़्यादा खतरनाक है, ऊपर से यहाँ पर इतनी ज़्यादा फिसलन है पूछो मत। अभी ना बस मुझे धीरे धीरे कर वापस से वहीं पर जाना है, और अगर इस बार ही मेरा पैर फिसल गया ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और ये देखो भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना पैर क्यों फिसल रहा है भाई इस जगह पर। अगर ज़्यादा तेज फिसल गया और मैं नीचे खाई में गया ना तो भाई मैं बता रहा हूँ दोबारा ऊपर भी नहीं आ पाऊंगा। तो गाइस यार वैसे जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना इसने अपना जो घर है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखा है, और ऐसी जगह पर बनाया ना कि किसी को शक भी नहीं होगा कि यहाँ पर ये रहता है। बाकी ना यहाँ पर अभी पता दिक्कत ये आ रही है कि मैं ऊपर कहाँ से जाऊँ, मतलब यार पैर इतना ज़्यादा फिसल रहा है ना पूछो मत। यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही रास्ता बताया, अगर मैं यहाँ से चला गया तो ठीक है, बाकी ये देखो भाई एकदम झटके से पत्थर अड़ जाते हैं पैर में और एकदम पूरी बॉडी जो है नीचे की तरफ में आ जाती है। तो भाई यार अभी ना एक काम करते हैं, बाइक को यहीं पर छोड़ो, मैं सीधा पैदल चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाइक को लेने जाऊँ और मेरा पैर दोबारा से फिसले और मैं सीधा खाई में चले जाऊँ एकदम नीचे तक, तो भाई वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है भैया जान भी चले जाए, इसलिए ज़्यादा फालतू रिस्क नहीं लेना, हम लोग पैदल भी काम कर सकते हैं। बाकी ना आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं इसके गेट पर, और ये लोग ना अभी मेरे को कुछ नहीं कहने वाले क्योंकि ये यार टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर सब लोग अलाउड हैं तो इनका कोई हक नहीं बनता कहने का। लेकिन अगर हम इसके घर के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे तो भाई ये लोग मेरा मुंह तोड़ देंगे। तो भी सबसे पहले ना मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया, जो माउंट शिलार का टॉप है ना वहाँ पर हमें कुछ टेलीस्कोप देखने को मिलते हैं, तो शायद से ना उस टेलीस्कोप के थ्रू मैं इसका घर जो है ना एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर पड़ी है, और बाकी अगर रास्ता वास्ता नजर आ जाए तो बहुत बढ़िया है। वैसे अगर देखा जाए ना तो यहाँ पर रात में कोई भी नजर नहीं आ रहा है, वरना ना यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है घूमने फिरने के लिए आते हैं, लेकिन ये जो जगह है ना रात में बहुत ज़्यादा खतरनाक है इसलिए हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। बाकी ना आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो उस बंदे का जो घर है मेरे को यहाँ पर इस टेलीस्कोप से तो नजर आ रहा है, और बाकी अगर सिक्योरिटी वगैरह देखी जाए तो दो सिक्योरिटी गार्ड ये रहे, एक सिक्योरिटी गार्ड पीछे वाले गेट पे है। बाकी यार ज़्यादा सिक्योरिटी मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं है क्योंकि यार ये ना काफ़ी ज़्यादा हिली एरिया है, तो यहाँ पर उसको लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ, ज़्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं है कि हमारे साथ है लेस्टर, और लेस्टर इतनी तेज़ चीज़ है ना कि भाई वो कुछ भी कर सकता है। अभी ना देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इन सिक्योरिटी गार्ड को मार के घर के अंदर एंटर हो जाओ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर बाई चांस हमने सिक्योरिटी गार्ड को मारा और उन लोग को पता चल गया, यानी कि जो मेन गैंगस्टर उसे पता चल गया ना, तो वो यहाँ से भाग सकता है, काफ़ी सारे रास्ते उसने बना रखे होंगे यहाँ से भागने के, हो सकता है कोई टनल वगैरह भी बना रखी हो, तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। और बाकी मैं ना अपना मजे में पीछे की तरफ आ रहा था और यहाँ पर ना मुझे एक रास्ता मिल गया है। तो गाइस यार मुझे ना यहाँ पर अभी एकदम ध्यान से और एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड है ना उसकी नज़र मेरे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अभी फटाफट ना यहाँ पर देखो एंटर होने के दो रास्ते हैं, या तो मैं इसके ऊपर लटक के चले जाऊँ या फिर यहाँ पर छोटी सी पतली सी दीवार है उसके ऊपर धीरे धीरे चल के जाऊँ, तो वो एक रास्ता है। बाकी यहाँ पर ओ भाई साहब ये पत्थर फिसल गए, भाई साहब मैं सोच रहा था कि इस पत्थर पर चढ़ूँ और फिर ऊपर जाऊँ, बाकी जो पत्थर है ना फिसल गए और ये सीधा खाई में चले गए, अगर मैं इस पर चढ़ता तो मैं भी फिसल के सीधा खाई में जा सकता था। तो एक काम करता हूँ ना यहाँ पर एक पत्थर हो रहा है भाई, बस तू मत फिसलियो, अगर ये फिसल गया ना तो मैं भी फिसल जाऊँगा फिर जिंदगी सही। अभी फटाफट यहाँ पर मैं चढ़ तो गया हूँ ऊपर, अभी फटाफट ना पीछे चलते हैं, और शायद से ना मुझे यहाँ पर किसी ने देखा भी नहीं है। तो गाइस यार देखो अभी ना कुछ भी कर ना मेरे को इस घर के अंदर एंटर होना है, और आप लोग ना सामने की तरफ में देख पा रहे होगे ना एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़े थे ना तो वो गेट काफ़ी ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो उनकी बिल्कुल भी नज़र मेरे ऊपर नहीं आने वाली। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना सबसे पहले इस बंदे को मार दूँ, और एक बुलेट में ये मरना चाहिए तभी कुछ होगा, वरना अगर इसका ध्यान आ गया तो कमांड दे देगा भाई सबको और फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो चलो भाई एक गोली चलाई, यहाँ पर इसका काम तमाम, किसी को भी पता नहीं चला है। अभी फटाफट से ना हम लोग यहाँ पर घर के अंदर एंटर हो जाते हैं जल्दी से, और यहाँ पर और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, एक बार ही ना मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, बाकी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। आराम से ना अंदर चलते हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर ना लॉक वगैरह लगा पड़ा है लेकिन गेट जो है डायरेक्टली खुल गया, क्योंकि ये लॉक तभी ऑन होगा शायद से जब ये सिक्योरिटी गार्ड ऑन करके रखेगा। अभी फटाफट ना यहाँ पर मैं आगे तो आ चुका हूँ, बाकी ना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि इन्होंने शोपीस के लिए काफ़ी बढ़िया बुगाटी जैसी कार रखी है, और इधर एक लैम्बोर्गिनी जैसी रखी हुई है, और ये दोनों की दोनों कार ना एक एक्वेरियम में है। भाई साहब कितना ज़्यादा पैसा होगा सोचो इस बंदे पे। अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है ना उनको मारते हुए चलूँ जिनकी नज़र मेरे ऊपर जा सकती है। अभी सामने की तरफ में आप देख पा रहे हो एक जो है बैठा हुआ, तो इसको मेरे को ना जल्दी से मारना पड़ेगा, और इसने देख लिया तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। काफ़ी आराम से मैंने इसको मार दिया भाई। अभी यहाँ पर गन अंदर रख लूँ कि नहीं, पीछे की तरफ में भी एक रास्ता है, यहाँ पर कोई भाई एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर भी खड़ा हुआ है, इसको भी मुझे मारना पड़ेगा, किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि मेरी पिस्टल ना भाई गड़बड़ हो गई। तो भाई यहाँ पर मैंने अभी इसको भी करा दिया है, और किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का ना मेरे ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि जो मेरी पिस्टल है ना वो पूरी की पूरी सप्रेस्ड है। अगर यहाँ पर हम लोग इस गेट में जाए तो भाई बाथरूम है, वही मैं सोचूं कि एक ना शावर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो भाई देखो इतना बड़ा बाथरूम है भाई पूछो मत, सच्ची में भाई इतना बड़ा तो हमारे घर का रूम था जितना बड़ा यहाँ पर इस बंदे का बाथरूम है। अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाए तो ये कौन सी जगह है, यहाँ पर ये किचन है और यहाँ पर मैं अपना खाना पका रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर चुपचाप अपना मरो और साइड हो जाओ,
टाइम यहाँ पर आपको दिखा रहा है बिल्कुल एकदम क्लॉक में। सबसे पहले थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हो रहा है, पीछे कोई सो रहा है तो यहाँ पर निकल, और शायद से ये उसकी वाइफ है तो यहाँ पर हम लोग इसे नहीं मारेंगे, इसको जिंदा रहते हैं, इसकी कोई गलती थोड़ी है। तो यहाँ पर अभी मैं मेन सिक्योरिटी गार्ड को मारने वाला हूँ। इस वाले रूम के अंदर अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर इसका बेटा है जो कि सो रहा है और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड और है। भाई साहब कितनी खराब सिक्योरिटी है, मतलब कि सबका ध्यान ना सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ में है कि बाहर से कोई भी नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बंदा मेन अंदर एंटर कर गया उसका क्या, वो तो अभी तुम्हारा पूरा का पूरा मुंह तोड़ने वाला है। अभी ना फटाफट ना यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं, दो सिक्योरिटी गार्ड ना नीचे की तरफ में भी है, इनको भी मारना बहुत ज़्यादा जरूरी है वरना दिक्कत हो सकती है बाद में। तो यहाँ पर एक को मैंने डाउन कर दिया है। भाई यार सच्ची में जो जगह है ना यार, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखी है। अभी ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं और सामने तरफ में एक सिक्योरिटी गार्ड हो रहा है, निकल तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर इसको बिल्कुल चक भग जाए यहाँ से। भाई साहब मारने जा रहा था मेरे को, मारेगा इतना बड़ा हो गया। अभी यहाँ पर इसको भी मैंने बिछा दिया है। जो सिक्योरिटी है ना वो है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ढंग से ना बिल्कुल एकदम रखी नहीं गई है। यहाँ पर देखो इसका दोस्त मर गया लेकिन इसको भी पता ही नहीं चला क्योंकि पिस्टल पूरी सप्रेस है। निकल बेटा तू भी पहली फुर्सत में। और यहाँ पर कुछ बंदे शोर मचा रहे, चिल्ला रहे, वह कहाँ भाग के जाना चाह रहा है, इतनी देर से शोर मचा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ भाग कर जाना चाहता है। थोड़ा सा और अगर चलते हैं तो भाई यार वैसे अगर देखा जाए ना तो इस बंदे ने अपना घर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखा है, लेकिन बेचारा अपनी सिक्योरिटी की वजह से मारा जाने वाला है अभी बस थोड़ी देर में। यहाँ पर इसका इतना गंदा वाला मुँह तोड़ूंगा ना, बस देखते जाओ तुम लोग। अभी ना फटाफट से थोड़ा सा और आगे की तरफ में बढ़ते हैं। बाकी ना यहाँ पर दो रूम है, इस वाले रूम के अंदर चलकर मैं देखता हूँ क्या सीन है। ओके तो यहाँ पर इन्होंने अपना जिम भी बना रखा है। वो भाई पीछे की तरफ में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, इसको पता नहीं कि बाहर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका मुँह तोड़ने वाला हूँ, फटाफट से एक ही बल्ला बजाऊंगा, तेरी ऐसी तैसी निकल यहाँ से। बेचारे को पता, भाई गोलियां तो चला रहा था मेरे ऊपर, गोली चलाएगा, इतना बड़ा हो गया गोली चलाएगा। अब यहाँ पर इसने गोली चलाई है ना तो मेरे को लग रहा है बाकी सिक्योरिटी गार्ड को हो सकता है कि शक हो गया हो। अब यहाँ पर ना इस वाले गेट के अंदर भी हम लोग एंटर होते हैं, सामने की तरफ में खड़ा हुआ, बिल्कुल होश ही नहीं है भाई, निकल यहाँ से। यहाँ पर एक और है ना, निकल यहाँ से, और कोई है क्या यहाँ पर? भाई किसी ने गोली चलाई, भाई साहब मरने के बाद कैसे गोली चला रहा है ये? तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना इसके घर में, मैंने सभी को एकदम साइलेंटली मार दिया और यहाँ पर ना किसी को भी मेरे ऊपर अभी शक नहीं होने वाला है। अभी फटाफट से ना हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ में बढ़ते हैं और ये जो रूम है ना मुझे उसी गैंगस्टर यानी कि उसी अंडरवाटर माफिया का रूम लग रहा है, क्योंकि ये जो रूम है ना सबसे ज़्यादा महंगा रूम है इस घर का, क्योंकि यहाँ पर भाई रूम के अंदर इतना बड़ा एक्वेरियम है और इतना बढ़िया सा बेड है, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ है। बाकी ना यहाँ पर सामने की तरफ में बहुत बड़ा सा बाथरूम है तो हो सकता है वो इसके अंदर हो, भी तो फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई नहाता हुआ दिख रहा है। बाकी तो यहाँ पर ये देखो भाई, ये खड़ा हुआ अंडर वाटर गैंगस्टर, आज इसको हम लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनाने वाले हैं। मतलब कि क्या कह रहा था भाई, बहुत बड़ा गैंगस्टर है ना लॉस सैंटोस का, तो अभी मेरे को इस बंदे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ना एकदम मैं इसके पास एकदम चुपचाप जाऊँगा और फिर जाते इसके मुँह पर ये बेसबॉल बैट बजा दूँगा और इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा। बाकी तो यहाँ पर फोन पर बात करने में इतना ज़्यादा बिजी है ना पूछो मत, एकदम आराम आराम से इसके पास चलते हैं। हाँ भाई किस बात का बदमाश बन रहा, तू एरी ऐसी की तैसी, उठ वापस उठ। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अभी जो फाइट है ना वो बराबरी की होनी चाहिए, तो आजा बेटा तेरी ऐसी की तैसी। अब भिड़, यहाँ पर अभी तक जो फाइट चल रही थी ना उसमें मैं डंडे मार रहा था और यहाँ पर अब मैं इसको बताने वाला हूँ, ले तेरी, इतना गिरा गिरा के मारूंगा ना बेटा देखता रह जाएगा, यहाँ पर इसका भूत बना दूंगा। आज बॉडी वॉडी बहुत बना रखे, घर में जिम है ना इसलिए। ओ भाई साहब यहाँ पर तो इसने रेल बना दी इस कमरे में। यहाँ पर ये जो कमरा है ना वो छोटा सा पड़ रहा है और इसके अब रख के पड़ेगा, तेरी ऐसी की तैसी। यार मैं इसके इतने घूसे मार रहा हूँ और ये ना गिरने का नाम नहीं ले रहा है, एक बार भी मेरे को समझ नहीं आ रहा कितना मारना पड़ेगा भाई, जान बहुत है, इतनी बॉडी बना रखी है लेकिन ये ना मेरे को मार पा रहा है ना मैं इसे मार पा रहा हूँ। इधर बेटा तेरा मैं भूत तो बनाऊंगा। ओ भाई साहब, तो भाई देखो अगर अभी मैं चाहूँ ना अपनी गन निकाल कर अभी कभी इसको ठोक दूँ, लेकिन इसने मेरे को चैलेंज करा है कि अगर तू असली गैंगस्टर है ना तो मेरे को ऐसे नॉर्मली 1v1 फाइट में हरा कर दिखा, और वो भी जिसके अंदर कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी इसको मैं कोने में ले गया और पूरा लपेट दिया भाई, अभी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मार ले मार भाई, अभी देखते हैं इसके अंदर कितनी जान बची है, दम है तो मार कर दिखा। ओ भाई साहब जान तो अभी भी पूरी बची है भाई इसके अंदर, पर कितनी जिम करी है भाई, कितनी जिम करी है यहाँ पर, जिम करने का फायदा क्या है जब पिटा ही जा रहा है। तो एक काम कर, यहाँ पर शीशा तोड़ के ना इसको मैं यहीं से फेंक दूंगा। तो भाई यार देखो अभी ना मैंने इसको मार मार के एकदम भूत बना दिया और मैं इसको उठने भी नहीं दे रहा हूँ, मैं इसे उठने दूंगा ही नहीं भाई, इतनी देर हो चुकी है और ये बंदा ना मरने का नाम ले ही नहीं रहा, और जैसे ही उठ रहा है वैसे ही इसे मारूंगा। बेटा उठ के दिखा, यहाँ पर अभी तक ना घुसे लाश से ही बात चल रही थी, लेकिन यहाँ पर भाई इसके अंदर इतनी जान है पूछो मत। तो गाइस यार अभी ना बाथरूम में जाकर मैं इसे इतना मार रहा हूँ पूछो मत, भाई भूत बना दिया है, आँख नाक मुँह कान हर जगह से खून निकल गया है। पहले एकदम फेयर फाइट चल रही थी लेकिन फिर इसने ना एक सामान उठा के फेंक के मारा और यहाँ पर अभी देखो भाई मैंने इसका भूत बना दिया, हथौड़ी हथौड़ी में मार रहा हूँ उसको, निंजा थोड़ी बन चुका हूँ, लेकिन जान इतनी है इसके अंदर पूछो मत। यहाँ पर अभी उठ के दिखा बेटा, तो कुछ भी कर ले,
बेसबॉल बैट से इसे अकल ठिकाने आएगी इसकी। सब मार के देख लिया भाई, कुछ असर नहीं हो रहा भाई, इतनी ज्यादा जान कैसे है भाई साहब। मेरे कपड़ों की हालत देखो क्या होगी इसको मारते मारते। अरे कब से सॉरी बोला लेकिन निकल बेटा यहाँ से, बहुत ज्यादा देर होगी। तो कि गाइस यार अभी ना फिलहाल मैंने इसको एकदम अच्छे से स्टन कर दिया, यानी कि स्टन गन से जो है बंदा ना मरता नहीं है, उसे करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसे ज्यादा मारूंगा ना तो इसका दिमाग विमाग भी खराब हो सकता है इस चीज से। लेकिन यहाँ पर जो भी है अभी ना इसको मैंने मार के इसके बाथरूम में बिछा दिया है। खैर जो भी हो, बंदे के अंदर ना जान बहुत ज्यादा थी भाई सच्ची में। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं यहाँ से जाने नहीं वाला, क्योंकि हो सकता है कि कोई बंदा है और इसको उठा कर ले जाए। तो मैंने इसको यहाँ पर बेहोश कर रखा है और जैसे इसको होश आएगा ना फिर इससे पूछेंगे सारा का सारा इसका पैसा कहाँ है। और सारा पैसा लेकर ये वाला जो घर है ना, मैं सोच रहा हूँ इस पर भी कब्जा कर लूँ भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि अभी जो मेन माफिया है वही हमारे नीचे काम करने वाला है, तो हमारे को कोई दिक्कत विक्कत की बात नहीं है। और सामने किसी ने गोली चलाई ना, एक मिनट रुक जाओ भाई, किसी ने तो गोली चलाई। अबे भाई साहब इसके और बंदे कहाँ से आ गए भाई, इसके और बंदे कहाँ से आ गए तेरी ऐसे की तैसे। यहाँ पर इसको मैं कैसे मारूंगा यार, पौधा आ रहा है, निकल यहाँ से तेरी भैंस के डांग भाई। और बंदे कहाँ से आ गए इसके भाई, वो भी एक ही था क्या, एक ही होगा मेरे हिसाब से, इतनी ज़्यादा पुलिस भाई। ये तो पुलिस है, अबे पुलिस भी आ गई भाई, इतने सारे बंदे। एक सेकंड रुक जाओ भाई, अभी बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। ओ भाई ये देखो भाई, पुलिस कहाँ से आ गई मुझे पहले ये बताओ। मतलब कि वहाँ पर जब फाइट हुई थी, जब उसने मेरे घर पर अटैक करा था, तब तो कोई पुलिस वुलिस नहीं आई थी भाई। ये पुलिस नहीं है, ये सी के आदमी है भाई तेरी ऐसी तरह से, निकल यहाँ से। अभी फिलहाल मैं काम करता हूँ सिलूम में, तुम्हारी भैंस के रंग तुम्हारे यहाँ से, निकल यहाँ से। किसी को मैं अभी छोड़ने नहीं वाला यहाँ पर भाई साहब, जान तो बहुत है भाई साहब। चार पाँच गोली खा गया और कुछ असर ही नहीं हुआ। फटाफट एक काम करता हूँ ना, आगे वाले रूम में चलता हूँ, यहाँ पर चल के आराम से बैठता हूँ। अगर कोई भी पुलिस वाला आएगा ना मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर इसको भी मारो, अभी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इन लोग को मारूंगा ना तो ही इनको समझ आएगी पुलिस वाले को कि मेरे को ये लोग छोड़ के चले जाएँ। बाकी यार इतनी ज़्यादा पुलिस कहाँ से आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, पीछे भी भाई सब इतनी सारी पुलिस कहाँ से आ गई। फिलहाल मैंने मैक्सिमम तीन चार बंदों को तो मार दिया है, लेकिन इनके अंदर जान बहुत ज़्यादा, गोलियों पे गोलियाँ चलाए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई अभी मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। तो गाइस यार अभी ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर तीन चार पुलिस वाले जो मेन नीचे वाले कमरे में थे उनको तो मैंने मार दिया, बाकी ना अभी यहाँ पर बहुत सारी पुलिस जो आई जा रही है। मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है और यहाँ पर वो चीज़ मैंने अगर देखी भी है, देखो भाई सब कुछ एकदम बढ़िया हो सकता है यहाँ पर। अभी ना फटाफट ना मुझे यहाँ से निकलना है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की है भाई। ये देखो यहाँ पर से मैं फटाफट भाग चुका हूँ और यहाँ पर ना मेरे को तुरंत पैराशूट खोलना पड़ेगा और किसी को शक भी नहीं हुआ कि मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ भाई। बहुत सही सीन, यहाँ पर अगर वो लोग देख लेते ना कि मैं किधर में जा रहा हूँ तो वो लोग हेलीकॉप्टर अपना मेरे पीछे भेज देते। लेकिन एकदम सही टाइम पर मैंने जंप करके पैराशूट खोल दिया। उन सबको लग रहा है कि अभी मैं ना ऊपर वाले फ्लोर में किसी कमरे के अंदर छुपा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पीछे की तरफ से निकल गया हूँ। लेकिन एक ना छोटी सी दिक्कत की बात है, अगर वो लोग उस गैंगस्टर यानी कि उस माफिया की बॉडी देखेंगे तो वो शायद से ना उसको हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे, और अगर वो हॉस्पिटल गया तो वो दोबारा जिंदा बहुत आराम से हो सकता है। क्योंकि मैंने उसको एक भी गोली नहीं मारती, सिर्फ और सिर्फ उसे बेहोश करा था और बाकी यह सिर विर फाड़ दिया था, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत असर देर में आए। लेकिन जो भी हो अभी यहाँ पर जो है बहुत बुरा सीन हो चुका है यार, मैं जैसा नहीं चाहता था। तो भाई अभी बस ना बस यही एक छोटी सी दिक्कत की बात है कि अगर वो गैंगस्टर दोबारा जिंदा होता है तो फाइट जो है फिर से बराबरी की हो जाएगी। अभी ना यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट फाइट जो है पूरी की पूरी जीत चुका था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस आखिरकार आई कहाँ से। तो चलो गाइस यार अभी जो भी हो सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है और यहाँ पर एकदम सेफ लैंडिंग भी हमारी एकदम आराम से हो गई है। तो चलो गाइस यार अभी सब कुछ ना एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है। यहाँ पर जो पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी अभी उसका भी पूरा पूरा शक खत्म हो गया कि मैं कहाँ पर गया। और यहाँ पर ना मुझे वापस से लॉस सैंटोस वाली सिटी के लिए निकल लेना चाहिए जहां पर मैं रेंट पर रहता था, अभी उसी हाउस में छुप कर रहेंगे। और मुझे ना कमेंट में ये जरूर बताना कि ये जो माफिया का घर था इतना बढ़िया सा, मुझे इस पर कब्जा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो चीज जो कमेंट में जरूर बताना। अब मैं पहले तो मैं लग रहा था कि जंग जो है पूरी की पूरी जीत गया हूं तो कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अभी पता दिक्कत की बात यही है कि ना वहां पर पुलिस आ गई है और पुलिस ना उस माफिया को जो है वापस से ठीक कर सकती है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी यार और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। अभी ना जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं। तो चलो गाइस यार अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल भी नहीं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार इस वीडियो पर एम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 6 लाख लाइक के लिए, तो जल्दी से जाओ सभी लोग लाइक का बटन दबा दो। और हाँ यार जिन लोगों ने भी मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो मेरा मेरे से बात करने के लिए। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।